हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी आईफोन 11 खरीदने की सोच रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आईफोन 11 पर कितना प्राइस ड्रॉप हुआ है और इसके ऊपर कौन सा कैशबैक चल रहा है और आप इस आईफोन को कैसे आसान किस्तों पर खरीद सकते हैं, तो इस वीडियो में दोस्तों बने रहना। तो आज मैं इस वीडियो में ये सभी डिटेल आपको देने वाला हूँ। iPhone 13 और 13 Pro लॉन्च होने के बाद Apple ने iPhone 11 का भी ऑफिशियली प्राइस ड्रॉप कर दिया है। iPhone 11 का पहले 64GB वाले वेरिएंट का प्राइस था 54,900 रुपीज़, जो कि अब कम होकर 49,900 रुपीज़ ऑफिशियली हो चुका है। ऊपर से Apple ने इसके ऊपर 4,000 रुपये का कैशबैक भी अनाउंस कर दिया है, जो कि आपको HDFC डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा। अगर आपके पास HDFC क्रेडिट कार्ड है तो आपको ये आईफोन जो आफ्टर कैशबैक पड़ेगा 45,990 रुपीज़, और आप इस आईफोन को आसान 6 किस्तों में भी पे कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो आप इसको 6 महीने की आसान किस्तों पर पे कर सकते हैं और आपको 4,000 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा और आप इसको आसानी से 6 महीने की किस्तों पर भी पे कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम HDFC डेबिट कार्ड की। HDFC डेबिट कार्ड पर भी आपको 4,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा, पर यह कैशबैक जो है हर एक कस्टमर को नहीं मिलता है। मतलब कि अगर आपको कैशबैक लेना है और आपको 6 महीने की किस्त लेनी है तो आपको अपने डेबिट कार्ड की EMI लिमिट चेक करनी होगी। EMI चेक करने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9643222222 पर मिस कॉल करनी होगी, जिससे आपको HDFC बैंक से एक मैसेज रिसीव होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके डेबिट कार्ड पर कितने तक की आप EMI करवा सकते हैं, कितने तक का आप कस्टमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो अगर आपकी ये डेबिट कार्ड लिमिट आ गई तो आप इस फ़ोन को आसानी से 4,000 रुपये की कैशबैक के साथ 6 महीने की EMI पे खरीद सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा की EMI बनवाना चाहते हैं, मतलब कि आप 12 महीने में पे करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपको इंटरेस्ट पेयर करना होगा। मतलब कि 6 महीने तक आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं है, उसके बाद जो है जितने भी आप करवाते जाएंगे ज़्यादा आपको जो है उसके अंदर इंटरेस्ट पे करना होगा और आपका जो कैशबैक है वो ख़त्म हो जाएगा इसके अंदर। इसके बाद आ जाते हैं, अगर आपके पास HDFC का डेबिट कार्ड भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड भी नहीं है और आप इसको आसान किस्तों पर खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है NBFC से फाइनेंस करवा सकते हैं। मतलब के बजाज फाइनेंस से, TVS क्रेडिट से, HDFC पेपर फाइनेंस से और IDFC से और जेस्ट फाइनेंस से। मतलब के 5 कंपनियां जो हैं इसको फाइनेंस करती हैं, जो कि 0 कॉस्ट फाइनेंस करते हैं। मतलब कि आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। तो अगर आपका जो है बजाज फाइनेंस का कार्ड बना हुआ है तो आप किसी भी एप्पल के ऑथराइज स्टोर पर जाकर इस फ़ोन को आसानी से 24 मंथ की EMI पर खरीद सकते हैं। मतलब कि जो के लोग जॉब करते हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है कि एक साथ जो है 50,000 रुपये देना, तो वो लोग जो है मतलब कि मंथली EMI पर देना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम काफ़ी अच्छी है जिसमें जो है आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। तो अगर आप बजाज फाइनेंस से इसकी 24 मंथ्स की EMI बनवाते हैं तो आपको मंथली जो पेमेंट रहेगा वो रहेगा 2,080 रुपीज़ 64GB वाले वेरियंट का। अगर आप इसमें 128GB वाला आईफोन लेते हैं, आईफोन 11 128GB, तो आपको मंथली जो EMI पे करनी होगी वो पे करनी होगी 2,288 की, और ये आसानी से आपको बजाज फाइनेंस से मिल जाता है। अब आते हैं, अगर आपके पास बजाज फाइनेंस का भी कार्ड नहीं बना हुआ है और आप इस फ़ोन को आसान किस्तों पर ख़रीदना चाहते हैं, तब भी आप इस आईफोन को खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपने नज़दीकी एप्पल के ऑथोराइज स्टोर पर जाकर देना होगा, जहां पर आपको जो रिप्रेजेंटेटिव है बजाज फाइनेंस का है या फिर HDFC का है, IDFC का है, जेस्ट फाइनेंस का है, तो वो आपका एक केस लॉगिन करेंगे जिसमें आपकी सभी डिटेल डाली जाती है, आप कहां रहते हैं, आपका मंथली मतलब कि जो सैलरी कितनी है, आपका अकाउंट कैसे मेंटेन्ड है, ये सारा डिटेल वो डालते हैं जिससे आपका एक क्रेडिट स्कोर बनता है, जिसके बेस पर आपको ये आसान किस्तों पर फ़ोन दे दिया जाता है।
अब बात करते हैं डाउन पेमेंट की। बहुत सारे लोग जो है वो डाउन पेमेंट नहीं करना पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि उनको आईफोन भी मिल जाए पर उनको डाउन पेमेंट ना करनी पड़े। उसके लिए अगर आप 0-24 मंथ की ईएमआई चाहते हैं तो आप एचडीएफसी पेपर फाइनेंस से ही फाइनेंस करवाना, क्योंकि एचडीएफसी जो है अपने कस्टमर्स को जीरो डाउन पेमेंट की ईएमआई जो है प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आपको पहले कोई भी पेमेंट नहीं करना है और ये आईफोन आपको 24 मंथ्स की ईएमआई पे मिलेगा और जीरो कॉस्ट पे, मतलब कि कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो होते हैं वो कुछ फाइल चार्ज होते हैं, 2 या 2.5% के करीब जो फाइल चार्ज होते हैं वो जो है वो लेते हैं और आपको ये फ़ोन जो है आसानी से फाइनेंस हो जाएगा। बाकी कंपनियां जो हैं वो ज़ीरो डाउन पेमेंट की स्कीम्स तो देती हैं, जैसे बजाज फाइनेंस है, इसके ऊपर आपको जो है 09 की ईएमआई, मतलब कि 9 किस्तों तक ही आप इसको ज़ीरो डाउन पेमेंट खरीद सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको जो है 33% जो है डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब कि 50,000 रुपीज़ का आपको 33% जो है आपको एज ए डाउन पेमेंट करना होगा। ऐसे ही बाकी और भी कंपनियां हैं जिसके ऊपर आपको 33% डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। और इस वीडियो के अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करके जा सकते हैं, जिससे मेरा हौसला बढ़ता है और आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा जिससे जो है आपको आईफोन खरीदने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका फैमिली मेम्बर आईफोन खरीदने की सोच रहा है और उसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनको ये पता लग जाएगा कि हाँ कैसे मैं इसको आसान किस्तों पर और इसको कैसे मैं कैशबैक्स पर खरीद सकता हूँ, तो आपको वो धन्यवाद करेगा और बहुत खुश होगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।